गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विशु और मैं अभी हूँ केंद्रा में। तो केंद्रा से हम जाने वाले हैं झोजा जलप्रपात और मेरे साथ है सचिन भाई और रिंकू। झोजा जलप्रपात जो है बिलासपुर से 140 किलोमीटर और पेंद्रा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आप देख रहे हो हम लोग घाटी को क्रॉस करते करते बस्ती आ चुके हैं और यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग हमको पैदल वॉकिंग करके जाना पड़ेगा। यहाँ बाइक को पार्किंग करेंगे फिर पैदल 2 किलोमीटर वाटरफॉल के लिए निकलेंगे। ओए बाबू हंसने यार, वीडियो बनाते हो क्या? नाम है तो लोग लगभग 2 किलोमीटर ट्रैकिंग करके हम लोग नीचे आ ही गए हैं। ये छोटा वाला झरना है, इससे बड़ा ऊपर है। यहाँ का व्यू यार कमाल का है, देखने लायक। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इस जलप्रपात की खासियत यह है कि यह जंगल के बीचों बीच में है, इसलिए सबके मन को मोह लेता है। यहाँ आने के लिए आपको पेंड्रा से 40 किलोमीटर और बस्ती बगरा ग्राम से 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। पेंड्रा गौरेला क्षेत्र का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो यहाँ एक बार अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर आइए। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट्स करके बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।